मूवी की कहानी घूमती है मेलिना नाम की एक औरत और रोनाटो नाम के एक बच्चे के ऊपर। मेलिना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो एक छोटे से टाउन में रहती है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उस टाउन के हर एक मर्द की नजरें अपने तरफ खींच लेती थी। उस टाउन का हर एक मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। और उसी टाउन में रोनाटो नाम का एक छोटा लड़का रहता था। मेलिना के उम्र के मुकाबले उसका उम्र बहुत कम था। एक दिन रोनाटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि यहां से मेलिना जाने वाली, तो वो लोग सारे इकट्ठे होकर साइड में बैठ जाते हैं और मेलिना के आने का इंतजार करते हैं। और जब वहां से मेलिना गुजरती है तो सारे बच्चों की नजरें अपनी तरफ खींच लेती है। पर मेलिना की खूबसूरती रोनाटो पर बहुत ज्यादा प्रभाव कर देती है। जब मेलिना वहां से गुजर जाती है तो रोनाटो किनारे होकर उसे देखते रहता है। और यही नहीं, मेलिना का पीछा करते हुए वो टाउन में भी चला जाता है। मेलिना के फादर एक टीचर होते हैं बट उन्हें अपने कानों से सुनाई नहीं देता है और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट थे। देखने को मिलता है कि ये बच्चे मेलिना के बारे में तरह तरह के सवाल पूछते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं। रोनाटो मेलिना की खूबसूरती से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, इसलिए उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और एक छेद से उसे देखता है। वो देखता है कि मेलिना उदास हुए अपने घर में लेटी हुई रहती है। वहीं हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड वॉर के दौरान अपने आर्मी ऑफिसर्स के साथ गया था बट अभी तक लौट कर वापस नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ रोनाटो के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है कि मेलिना ने मुझसे एक बार सिगरेट मंगवाया था और बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इससे ये जानने को मिल सकता है कि सोसाइटी एक औरत के बारे में क्या क्या सोचती है और इसके बारे में क्या क्या बातें बनाती है। देखते ही देखते रोनाटो मेलिना को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। रोनाटो लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो अच्छी औरत नहीं है, बहुत सारे लोगों के संग वो खुलकर बात करती है, ये सब जानने के बाद वो उसे इमेजिन करने लगा था। रोनाटो था तो एक बच्चा मगर अब बड़ों की तरफ बिहेव करने लगा था। उसने अपने पापा के पैंट को कटवा कर अपने साइज का बना लिया था। ये देखकर उसके पापा ने उसे बहुत पीटा भी था। रोनाटो ने ये इसलिए किया था क्योंकि उसे अब हाफ पैंट पहनने में शर्म आ रही थी। अपने पापा से बार बार मार खाने के बावजूद रोनाटो का अक्ल ठिकाने नहीं आया। वो बार बार मेलिना का पीछा किया करता था और उसे एक होल से देखा करता था। पर मेलिना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। फिर मेलिना को अचानक ये खबर मिलती है कि उसका पति वॉर में मारा गया है। इसको सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और लेट कर रोने लगती है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसे अपने पति से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। जब उसे ये बात पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है तो उसके सालों का सब्र अब टूट चुका है। वो सोचती है कि वो इस घर में अब क्या करेगी, इसलिए वो अपने पापा के घर में चली जाती है। एक दिन रोनाटो कहीं काम कर रहा होता है तब वो सुनता है कि उसके आसपास के लोग मेलिना के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ, मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वो एक बुरी औरत नहीं है। वो सोचता है कि उसे ये बात सभी लोगों को बतानी पड़ेगी और वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। रोनाटो फिर खड़ा होकर मेलिना को देखता है और इमेजिन करने लगता है कि वो उसके पास आ गई है और उसे कहता है कि परेशान मत हो, मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊं। उसके बाद वह चर्च जाता है और वहां पर गॉड से प्रार्थना करता है कि प्लीज आप मेलिना का ख्याल रखना और मैं रोज आकर यहां पर कैंडल जलाऊंगा। फिर एक दिन मेलिना के पापा को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है और उसका टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब पढ़ने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को खुद की बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और मेलिना को यहां से चले जाने के लिए कहते हैं। मेलिना फिर से अकेली हो जाती है। रोनाटो को जब ये बात पता चलती है कि मेलिना फिर से अकेली हो गई है तब वो उसे रोज आकर फिर से देखने लगता है। एक दिन रोनाटो जब एक होल से उसके घर में देख रहा होता है तब वो देखता है कि एक पुलिस वाला उसके घर में आया है। उन दोनों के बर्ताव को देखकर उसे लगता है कि मेलिना का सच में कोई अफेयर चल रहा है। रोनाटो जब ये देखता है तब उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वह सोचता था कि मेलिना एक अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है तब रोनाटो उसे छिपकर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि उस पुलिस वाले से कहता है कि मेलिना तो मेरी मंगेतर है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस ऑफिसर के संग मारपीट करने लगता है। इसके बाद पूरे टाउन में ये खबर फैलने लगी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है जिसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। फिर केस चलता है और मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है। तब ये पता चलता है कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। पर चौंकाने वाली बात तो तब हो जाती है जब मेलिना का वही लॉयर उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है पर मेलिना कुछ नहीं कर पाती है और वही इसी चीज को रोनाटो एक छेद से देख रहा होता है। फिर वही सीन कट हो जाता है। फिर आगे देखने को मिलता है कि मेलिना के फादर एक सफर पे जा रहे होते तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर मेलिना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका इस दुनिया में अपना अब कोई नहीं रहा। मेलिना को इतने टाइम से जो पेंशन मिल रहा होता है वो भी मिलना बंद हो जाता है क्योंकि अब ये प्रूव हो
चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है और वहीं मेलिना के पैसे खत्म हो रहे होते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। और वो कैंची उठाकर अपने बाल काटने लगती है, तभी वो सोचती है कि अगर दुनिया में लोग उसे सच में मानते हैं कि वो बुरी औरत है तो वो बुरी औरत ही बन के रहेगी। और रोनाटो जब ये सब देखता है तब वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ तक कि वो खाना पीना भी छोड़ देता है। फिर आगे देखने को मिलता है कि मेलिना एक बुरी औरत बन चुकी है और उस टाउन का हर एक मर्द उसके पास आने की कोशिश करता है। ये सब देखने के बाद उन मर्दों की औरतों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तब वो मेलिना के पास आती है और उसे मारती है और उसे मार मार कर इस टाउन से बाहर कर देती है। फिर आगे देखने को मिलता है कि मेलिना का पति वापस आ जाता है क्योंकि वह मरा ही नहीं था, किसी ने इसके पति के मौत की गलत खबर को फैला दिया था। फिर वो अपने घर में आता है और अपनी पत्नी को खोजता है पर उसे मेलिना कहीं नहीं मिलती है और उसके घर में भी कोई और लोग रह रहे होते हैं। और जब वो अपनी बीवी के बारे में सभी लोगों से पूछता है तब सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो गलत औरत बन चुकी है, अब वो यहाँ पर नहीं रहती है। और अपने बीवी के खबर को पाने के लिए जब वो अपने दोस्तों के पास भी जाते हैं तो कोई दोस्त उसका साथ नहीं देता है और यही नहीं रुकते हैं, उसका इंसल्ट करने के बाद उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। और रोनाटो यह सब खड़ा होकर देख रहा होता है तभी वो फैसला करता है कि मेलिना कैसी औरत है इसके बारे में अब वो सभी लोगों को बता देगा। तब रोनाटो एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि मेलिना एक बुरी औरत कभी नहीं थी, उसे बुरा तो लोगों ने बनाया है। टाउन के लोगों ने उसके चरित्र के बारे में बहुत गलत गलत खबरें फैलाई और सब कुछ बताता है जो भी मेलिना के साथ हुआ और उसे इस टाउन से क्यों निकाला गया। ये सब पढ़कर मेलिना के हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को खोजने के लिए निकल जाता है। फिर आगे देखने को मिलता है कि मेलिना अपने पति के साथ उसी टाउन में वापस आ रही होती है और उस टाउन के सभी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी नजरों में अब कोई ताना या कोई बुराई नहीं दिख रही होती है क्योंकि उसका पति अब उसके साथ है। मेलिना के पति के वापस आने से उस टाउन का हर एक इंसान अब उन दोनों की इज्जत करता है। फिर आगे देखने को मिलता है कि रोनाटो मेलिना से आखिरी बार मिल रहा होता है। मेलिना के हाथों से कुछ चीजें गिर जाती है तो रोनाटो आकर उसे उठाने में मदद करता है। वो मेलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी हो। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। फिर इस मूवी के अंत में रोनाटो खुद से बात कर रहा होता है, वक्त गुजरा और मेरा बहुत सारी औरतों के ऊपर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया, वो पूछती थी मैं उन्हें याद रखूंगा, मैंने उन्हें हाँ कर दिया, पर वो एक थी जिसे मैं कभी अपने लाइफ में भूल नहीं पाऊंगा और वो थी मेलिना। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में ये बताया जाता है कि एक अकेली औरत को समाज किस तरीके से देखता है, उसके बारे में क्या क्या बातें करता है, उसके बारे में क्या क्या सोचता है। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, बट अपना रिस्पॉन्स जरूर दें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।